লাইফ স্টাইলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমার অনেক বন্ধুরা আমাকে সাজেস্ট করেছে যে আমি হিন্দিতে করব, এখন থেকে ট্রাই করবো একটু হিন্দিতে, কারণ আমার অনেক বন্ধুরা আছে তারা বলছে যে হিন্দিতে করলেই সব থেকে বেশি ভালো হবে, আমরাও বুঝতে পারবো। বন্ধুরা আজকে আমি একটু ট্রাই নেবো হিন্দিতে তাদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করবো। তো আজ বারিশ কি এসা হো রে ধমাকান বারিশ হো রে ইসি মে হাম লোক আজ চিকেন পোলাও বানা রে আইয়ে মেরা সাথ মে কিচেন মে। তেজ পাতি লিয়া উসকা বাদ আপকা হ্যায় প্যাজ মির্চি পেস্ট হ্যায় এক চামচ লং ইলাচ और दालचीनी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी इसी को सारा को ये गोश्त का साथ में मिला के मिक्सिंग करके रखे, मैरिनेट करके रखे। हाँ दोस्त फ्रेंड्स, पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल दे दिया, चिकन बना रहा हूँ मैं, मैंने जीरा डाल दिया, तेज पत्ती हल्का सा भून के कोई 5-6 मिर्ची डाल दिया, सूखा मिर्ची ड्राई मिर्ची, प्याज, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पेस्ट, अभी मैंने चिकन डाल दिया, मैं चिकन रेडी, अभी खाना चढ़ा देगा बिरयानी राइस। और फ्रेंड्स ये है गाजर और बीन्स दोनों काट के रखे हुए हैं, और ये है आपका मसाला, खाने के खाना का मसाला है, ये प्याज रखा है, तेज़पत्ती रखी, ये आपका बाज़ार से मिला हुआ जो गरम मसाला है उसी का आधा पैकेट गरम मसाला, काजू है, किशमिश है। डियर फ्रेंड्स, पहले मैंने डाला है वाइट सनफ्लावर ऑयल, ये हम लोग राइस बनाने जा रहे हैं। अभी 3-4 पत्ती तेज पत्ती, गरम मसाला जो ग्रेवी मसाला बोलता है वही हल्का सा भून लेते हैं। लोग को राइस है 1.5 मतलब 1.5 किलो, उसका लिए थोड़ा बड़ा वाला डेची लेके रखे, डेक्ची में नहीं बनाने से तो नहीं होगा, छोटा बर्तन में प्याज दे रहा हूँ, एक लहसुन, काजू किसमें डाल दिया, तो गाजर और बीन जो काट के रखे हल्का सा ड्राई फ्राई करके बस हल्का सा फ्राई, तो बाद में मैंने जो पानी गर्म करके रखा है 1.5 किलो के लिए अभी डाल दूंगा, तो पहले से पानी गर्म हुआ है। डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस दे दीजिए, खाना को ना फटे,
फ्रेंड्स, पानी उबलने तक इसको ढक के रखिए 2-10 मिनट तक। पानी अच्छा तरह उबल आ गया। अभी वो भीगा वाला जो चावल है, भीगा वाला जो चावल था हम लगभग आधा घंटा पहले भिगो के रखे, अभी उसका पानी सब सोख के अभी डाल रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा ढक के रखिए जब तक खाना ना हो जाए। फ्रेंड्स, एक चम्मच नमक भी डाल दिया स्वाद अनुसार। खाने के साथ में अगर नमक नहीं होगा तो टेस्टी नहीं रहेगा। पुलाव राइस कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर पुलाव चिकन रेडी है, देखिए कैसा बना है, ज़्यादा खिला है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी में आज शुरू कर रहे हैं, आगे मेरी हिंदी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे तरफ से और भी वीडियो आते रहेगा, इसी तरह हिंदी नहीं आएगा। थैंक यू। साथ में पापड़ भी है, आइएगा मजा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।